जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां अस्पताल वीरान होते हैं। ये कहा तो हमारे मुल्क के वजीर आजम इमरान खान ने था, मगर इसको पूरा कर दिखाया कोटकट के नौजवानों ने। मैं दूसरी बार यहाँ पर आ रहा हूँ टांग की सरजमीन पर। पहले सुनते थे कि यहाँ दहशतगर्दी होती है, बड़े मॉल ख़राब होते हैं, तो आते हुए डरते थे। अब माशाल्लाह से आए हैं तो यहाँ के लोग बड़े अमन पसंद हैं और बड़ा प्यार दे रहे हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। और मैं वज़ीरिस्तान भी खेल आया हूँ, तो मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे चाहने वाले हैं और जितने भी लोग हैं, मेरा पैगाम यही है कि अब ये वो टांग नहीं है जो पहले एक दहशतगर्दी का माहौल होता था। अब बड़ा अमन पसंद लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़े पुरसकून से माहौल है और इंजॉय करने वाला माहौल है। ज़िला टांग के इलाका कोटकट जो बुनियादी सहूलियात से महरूम होने के बावजूद इलाका के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत 11वां आल पाकिस्तान मलिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 50 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अगर ये लोग अपनी मदद आप के तहत खेल रहे हैं, मतलब चंदे की इकट्ठे कर रहे हैं और मतलब यहाँ टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अगर हुकूमत भी कुछ मतलब थोड़ी दिलचस्पी होती यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। फाइनल के रोज़ किंग 11 शाहबाज ने पहले बैटिंग करते हुए 9 ओवर्स में 137 रन बनाए, जबकि वारियर क्लब के तमाम खिलाड़ी 97 रन ही बना सके। और ये टूर्नामेंट जो शुरू है अपनी आपके तावन से शुरू है, न स्पोर्ट्स ऑफिसर ने हमसे कोई तावन किया है, और जो ये टूर्नामेंट आप लोग देख रहे हैं इतनी आवाम इतनी जोश खरोश से आई, अगर रास्ता सही होता तो इनसे बड़ी आवाम आ जाती। टूर्नामेंट में फातिहा टीम को 50,000 और रनर अप टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। टूर्नामेंट के अख्तिताम पर मेहमान खसूसी मलिक इमरान ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम करते हुए कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दे तो टांग के ये नौजवान बैनुल अक्वामी सतह पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। जायद खान, मशल टीवी, कोटकट, जिला टांग।